त्रणियावा पुलिस द्वारा गोपामाओ निवासी गौका सनीस की कुर्की की कार्रवाई। आरोपी की 25 लाख रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। हरदोई के जिला अधिकारी के निर्देश के बाद त्रणियावा पुलिस के द्वारा गोपामाओ निवासी गौका सनीस की कुर्की की कार्रवाई की गई है। आरोपी पर गोवध निवारण अधिनियम, यूपी गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास जैसे 7 मामले दर्ज हैं। इनोवा कार, 1600 वर्ग फीट का मकान, कीमत करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की की गई है। गोपामाओ कस्बे में पहुंची पुलिस ने ठूल बजाकर कुर्की की कार्रवाई की है। मामले पर तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और आप सुनिए क्या कहना है हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त अनीस पुत्र जन्नू निवासी मोहल्ला लालपीर, कस्बा गोपामाऊ, थाना टड़ियावा, जनपद हरदोई के द्वारा गोकसी करके अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मकान एवं इनोवा कार को श्रीमान जिला अधिकारी महोदय हरदोई द्वारा कुर्क किया जा चुका है। यह संपत्ति मकान एवं इनोवा कार न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है और न ही किराए पे दी जा सकती है। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त अनीस पुत्र जन्नू निवासी मोहल्ला लालपीर, कस्बा गोपामऊ, थाना टड़ियावा, जनपद हरदोई, ये जनपद में जो भी अपराधी गैंग बना करके अपराधी कृत्य करते हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे किए गए हैं। उनके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसको चिन्हीकरण करके जब्त कराने के लिए मेरे द्वारा विगत दिनों एक गैंगस्टर सेल का गठन किया गया है जनपद में। इस सेल के प्रयास से आज दिनांक 13/4 को ये थाना टड़ियावा के एक गोवध के गैंगस्टर अनीस के एक मकान जो कि 1600 वर्ग फीट में निर्मित है और एक इनोवा कार को चिन्हित किया गया, वो माननीय जिलाधिकारी के आदेश से उसको आज कुर्क किया गया है। ये दोनों मकान और गाड़ी की संपत्ति लगभग 24-25 लाख की उसका मार्केट मूल्य होना चाहिए।